हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो इज इजी बाय अशोक आकाश। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन के अंतर्गत फॉलोइंग टॉपिक्स को जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट अथवा दो अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। यह गैमेट आपस में फ्यूज कर जाइगोट का निर्माण करते हैं और यही जाइगोट फिर डेवलप होते हुए न्यू इंडिविजुअल या नए ऑर्गेनिज्म में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वनस्पत एक लंबी, धीमी और जटिल प्रक्रिया है। चूँकि इस प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, अतः इससे उत्पन्न ऑर्गेनिज्म ना तो अपने पेरेंट्स के और ना ही आपस में हूबहू समान होते हैं, अर्थात वह क्लोन नहीं होते। प्लांट्स, एनिमल्स तथा फंजाई हालांकि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल एनाटोमी तथा फिजियोलॉजी के आधार पर विभिन्न प्रकार के रूप प्रदर्शित करते हैं, किंतु जब बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आती है तो यह सभी सिमिलर पैटर्न को साझा करते हैं, अर्थात इन सभी में तीनों फेज यानी जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव तथा सीनेसेंट फेज देखने को मिलता है और साथ में ही इन सभी में हार्मोनल चेंजेस भी परिलक्षित होते हैं। अधिकांशतः एनिमल्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपनाते हैं, जबकि हायर प्लांट्स में असेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों प्रकार के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। अगर बात सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स की जाए, जैसे अल्गी और फंजाई, या फिर और भी सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव जैसे कि मोनेरा और प्रोटिस्टा, यह प्रायः फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही करते हैं, लेकिन जैसे ही कंडीशन अनफेवरेबल होता है यह तुरंत सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ स्विच कर जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न ऑफस्प्रिंग प्रायः क्लोन्स होते हैं और क्लोन्स में वही गुण या अवगुण पाए जाते हैं जो उनके पेरेंट्स में पाए जाते हैं। अतः जो कंडीशन पेरेंट्स के लिए अनफेवरेबल है वह इन क्लोन्स के लिए भी अनफेवरेबल ही होगी, जबकि वैसे ऑफस्प्रिंग जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न होते हैं उनमें नए गुण विकसित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और प्रायः नए गुण विकसित भी होते हैं, और यही कारण है कि ऐसे ऑफस्प्रिंग्स अनफेवरेबल कंडीशन को अडेप्ट कर सकते हैं और अपने आप को उस स्थिति के लिए लायक बना सकते हैं। हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज बहुत ही आसानी से पहचाने जा सकते हैं और यह तब होता है जब उनमें फूल खिलते हैं। कुछ प्लांट्स में फूलों के खिलने की यह प्रक्रिया दो बार या उससे अधिक होती है। ऐसे प्लांट्स में फूलों के खिलने के बीच की अवधि को जुवेनाइल फेज माना जाता है। एनुअल प्लांट्स तथा बायनियल प्लांट्स में यह फेज जुवेनाइल या रिप्रोडक्टिव या सीनेसेंट बहुत ही आसानी से और स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, किंतु बात जब पेरेनियल प्लांट्स की आती है तो उनमें इन फेजेस को अलग से और पूरी तरह स्पष्ट रूप से डिफाइन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। बांस प्रजाति में उनके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल और फल लगते हैं। हालांकि यह बहुत बड़ी संख्या में लगते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही लगते हैं और यह अवधि 50 से 100 साल के बीच कभी भी हो सकती है। वहीं एस्ट्रोबिलांथस कुंथियाना, जिसे नीलकरंजी के नाम से भी जाना जाता है और जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के हिली एरियाज में पाए जाते हैं, एस इन प्लांट्स में फूलों के लगने की प्रक्रिया सिर्फ एक बार 12वें वर्ष में होती है। एनिमल्स में जुवेनाइल फेज के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। ये हार्मोनल चेंज उनके मॉर्फोलॉजी और उनके फिजियोलॉजी में बहुत सारे बदलाव लाते हैं,
जिसके कारण वह रिप्रोडक्टिव फेज की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस और सीजनल ब्रीडर्स के बारे में। बहुत सारे मैमल्स, खास तौर से वो जो नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, अपने रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान सिर्फ कुछ विशेष मौसम में ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे एनिमल्स को सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं हिरन, शेर, बाघ आदि। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे मैमल्स जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज के पूरे अवधि के दौरान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ऐसे एनिमल्स को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। इसके उदाहरण चूहे और इंसान आदि हैं। हम जानते हैं कि एनिमल के रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। नॉन प्राइमेट एनिमल्स जैसे गाय, भेड़, बकरियां, कुत्ते आदि के फीमेल्स के यूट्रस तथा रिप्रोडक्टिव डक्ट में होने वाले इन साइक्लिक चेंजेस को ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। वहीं प्राइमेट्स जैसे बंदर, लंगूर, चिंपैंजी आदि के फीमेल्स के यूट्रस तथा रिप्रोडक्टिव डक्ट में होने वाले इन साइक्लिक चेंजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यह साइक्लिक चेंजेस रिप्रोडक्शन तथा प्रेगनेंसी के लिए नितांत आवश्यक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, और अधिक बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।